हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार आप भाई एक्सेल कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज है 3 नवंबर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नवंबर को ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन सभी क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है सुमित जी ने और माधुरी जी ने। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम बाद हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8181871106 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वाईफाई में FI क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फिडेलिटी, फीचर्स या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, वाईफाई का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं। अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो यहां पर FI दिया हुआ है तो FI क्या प्रेजेंट करेगा? फिडेलिटी को प्रेजेंट करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सेकेंड, फिडेलिटी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या नहीं? यस और नो। तो स्टूडेंट्स, कोई भी फोल्डर है, अगर आप एक फोल्डर को कॉपी करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे या जितनी भी फाइल्स होंगी सभी एक साथ कॉपी हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, हाँ ये कॉपी होता है, ठीक है ना। तो कोई भी फोल्डर है, फोल्डर के अंदर चाहे लाखों फोल्डर हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फोल्डर्स एक साथ कॉपी हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%, 3000%, 400% या 600%। तो स्टूडेंट्स, कैल्क की यहां पर बात हो रही है, अर्थात बात हो रही है यहां पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, है ना। तो कैल्क कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? 400। एग्जाम में देखिए कैल्क, राइटर और इंप्रेस, इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं कि राइटर का मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, इंप्रेस का मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है ना, या फिर कैल्क का। तो कैल्क यहां पूछा गया 400। अगर ये पूछता कि राइटर का मैक्सिमम जूम कितने परसेंटेज है तो राइटर का मैक्सिमम कितना होता है आपका? 600, याद रखिएगा। अगर ये पूछता है कि इंप्रेस का कितना होता है तो इंप्रेस का कितना होता है स्टूडेंट्स? 3000%, है ना, जो ये लिखा हुआ है, ये आपके किसका है? इंप्रेस का है, और ये आपके राइटर का। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप नेक्स्ट देखते हैं, OSPF स्टैंड फॉर, OSPF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फिल्म, ओपन शॉर्टेस्ट पब्लिक फिल्म या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P एंड Ctrl+F3। तो स्टूडेंट्स, प्रिंट प्रीव्यू पहले क्या था? Ctrl+F2 के द्वारा में हम प्रिंट प्रीव्यू करते थे, लेकिन लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बिल्कुल अलग है ना। आपके राइटर में भी वही है, कैल्क में भी वही है, ये नहीं कि राइटर में अलग है और कैल्क में अलग है। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+P का, लेकिन यहां पर प्रीव्यू पूछा है तो इसके लिए हम Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं, याद रखिएगा। Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर कैल्क हो उसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब नेक्स्ट, VLSI चिप्स यूज्ड इन विच जनरेशन? VLSI चिप का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो स्टूडेंट्स, VLSI का प्रयोग हुआ था किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में, याद रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में। अब ये बताइए फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था?
तो फर्स्ट जनरेशन में किसका हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। ये याद रखिएगा कि जो जनरेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, वहां पर जनरेशन दिया है, तो पहले जनरेशन से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अगस्त में हुआ, सितंबर या अक्टूबर में, सभी में जनरेशन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। अगर पूछता है सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था हमारा ट्रांजिस्टर का। किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था किसमें, सेकेंड जनरेशन में। अगर पूछता है थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, तो थर्ड जनरेशन में आपका प्रयोग किया गया था आईसी चिप। याद रखिएगा किसका प्रयोग हुआ, तो आईसी चिप का प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन में, है ना। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में आपका क्या हुआ था, वीएलएसआई का प्रयोग हुआ, और वीएलएसआई के साथ साथ इसी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा इन सभी को, माइक्रो प्रोसेसर है वीएलएसआई का। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। ऐसे ही यूएलएसआई आता है, ठीक है ना, यूएलएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएलएसआई का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। और इसका प्रयोग भी पांचवी पीढ़ी में हुआ था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दोनों साथ में देता है, यूएलएसआई और वीएलएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ, तब वहां पर आपको राइट आंसर क्या करना है, फोर्थ जनरेशन को ही टिक करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े होते थे, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो आकार में काफी बड़े होते थे, फिर उनकी तुलना में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा छोटे हुए, है ना, फिर थर्ड जनरेशन में और छोटे हुए, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, उनका निर्माण हुआ, और कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो ये भी आप याद रखिए। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल 4004, याद रखिएगा इंटेल 4004 किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया फर्स्ट आपके कंप्यूटर को, सॉरी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को, तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा इंटेल 4004 को डेवलप किया गया, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है, और इसी के निर्माण के कारण क्या हुआ, कंप्यूटर के आकार में काफी छोटा बना गया। आप नेक्स्ट देखते हैं, डकडक गो क्या है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है, डकडक गो आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। याद रखिएगा, बहुत बार मैंने बताया है, अगर आप हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो सभी क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट हमने लिया था उसी में से एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, ट्विटर, एमेजॉन, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो फेसबुक है आपका, फेसबुक के साथ में आप लाइव वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो, तो राइट आंसर क्या है आपका, फेसबुक होगा, ठीक है ना। फेसबुक से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को आप जानिए। फेसबुक का जो फाउंडर है वो कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक को चलाने की मिनिमम उम्र कितनी है, तो फेसबुक चलाने के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वो है आपकी 13 साल। अगर कोई भी व्यक्ति जो 13 साल से कम उम्र का है, या कोई बच्चा है, व्यक्ति कहाँ होगा, ठीक है ना, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, या उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आप फेसबुक अभी मत चलाइए। फेसबुक से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज में एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर आप फेसबुक पेज का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपका फेसबुक पेज है उसमें क्या कर सकते हो, आप एक से ज्यादा एडमिन बना सकते हो। फेसबुक में एक बार में कितने वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो फेसबुक में आप एक बार में मैक्सिमम 30 वीडियो या फोटो को पोस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा फोटो या वीडियो आप पोस्ट नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताएं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं फेसबुक से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
उससे पहले स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अली बाबा के ऑनर कौन हैं, अर्थात अली बाबा जो है आपकी है क्या। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। तो अली बाबा क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। क्या है? ई कॉमर्शियल साइट है, जैसे आपका अमेजोन है ना, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही अली बाबा है। और इसके ऑनर कौन है आपको बताना है, डेंसो वेट, जैक मा, जेफ बेजोस या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए डेंसो वेव दिया है। डेंसो वेव ने क्या किया था, डेंसो वेव ने क्यूआर कोड का निर्माण किया था। सबसे पहले उन्होंने ही क्यूआर कोड का प्रयोग किया था, है ना। जेफ बेजोस कौन है, तो जेफ बेजोस आपके अमेजोन के फाउंडर है, ये भी आप जानते हो। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड, जैक मा। जैक मा अलीबाबा के ऑनर है, यही अलीबाबा को पूरा देखते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी शाम को 9 बजे, उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो 3 नवंबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।